हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पजलिंग फिजिक्स पर। कैसे हो आप सब? और पढ़ाई तो चल रही है ना? तो ठीक है, इसी पढ़ाई में हमने लास्ट टाइम देखा था न्यूटन्स लॉज के बारे में, और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे ये आपको बताएगी मेरी फ्रेंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पजलिंग फिजिक्स पर। आज हम पढ़ेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, इम्पल्स के बारे में, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में भी, और साथ ही देखेंगे काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस। तो शुरू करें पढ़ाई? अरे सुनो, पढ़ाई नहीं, खेलना शुरू करते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, चलो। मेरी फ्रेंड तो गई है क्रिकेट खेलने, और बातें मैं क्रिकेट की कर रही हूँ और सामने पेड़ रखा है, वो भी पिछले वीडियो का। तो आप सोचिए मत, मैं आपको बता देती हूँ कि गेम की बात आई है तो चलिए लॉस थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं हमारे। तो न्यूटन के तीन लॉस कौन से थे? लॉ ऑफ इनर्शिया था, लॉ ऑफ फोर्स था, और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्चुअली इन लॉज में से ही हमारा आज का टॉपिक डेवलप होने वाला है, इसीलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, क्रिकेट खेलते वक्त आप बॉल को कंसिडर कीजिए। अभी एक बॉलर ने बॉल फेंकी है, तो जब बॉल फेंकी है, अगर वो बॉल स्पेस में होती तो क्या वो रुकती? नहीं रुकती, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। अभी क्यों रुक रही है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, और साथ ही साथ बैट्समैन भी खड़ा है भाई बैट लेके बॉल को रोकने में नहीं, दूसरी ओर मोड़ने में। लेकिन हाँ, कुछ तो अपोजिशन है, तो अगर वो रुकती नहीं तो कौन सा लॉ फॉलो होता? लॉ ऑफ इनर्शिया। या फिर एक जगह पे रखी बॉल कोई उठाता ही नहीं, तो फिर भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही फॉलो होता। यानी कि हर चीज में एक लेजीनेस होता है कि उस चीज को कभी खुद की स्टेट चेंज करने की इच्छा होती नहीं, तो वो क्या हुआ? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा था लॉ ऑफ फोर्स। लॉ क्या था वो? F=ma। तो सेकेंड लॉ में क्या था? Force=change in momentum, या फिर Force=mass×acceleration। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम था, ये मोमेंटम के बारे में हमने लास्ट टाइम कुछ बात ही नहीं करी भाई। क्या है मोमेंटम? तो अगर फोर्स अप्लाई होता है तो किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। तो अभी बस क्रिकेट के बारे में इतना समझ लीजिए, क्योंकि हम पहले तीन लॉज रिव्यू ले रहे हैं या कर रहे हैं। तो जब बॉल बैट पे हिट होगा तो बैट के जरिए कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा और बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ आ गया। और थर्ड लॉ क्या था? एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पर जैसे बॉल बैट पे एक्शन फोर्स लगा रहा है, वैसे ही बैट बॉल पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो हुआ ना तीनों लॉ एक गेम में प्रूव। अब यही गेम हमको समझाएगा मोमेंटम क्या है। तो बाय डेफिनेशन तो हम बाद में जाएंगे, पहले ये देखते हैं कि अगर बॉल मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या है। उसका मास है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन तो बाद में आया, उसके पहले क्या थी? उसकी स्पीड थी। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास तो है ही है, साथ में उसकी स्पीड भी है। तो अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है तो उसके साथ जो है वो क्या है? मोमेंटम है। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो जो होता है वो मोमेंटम होता है। जैसे देखो भाई, हम लोग कहते हैं कि एक नॉर्मल डेफिनेशन में कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जब वो मोशन में होती है तो उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसी तरह जब कोई मास मोशन में होता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई मास मोशन में होता है तो उसकी जो पूरी स्टेट होती है, यानी कि मास और वेलोसिटी, वो मिला के क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अब क्रिकेट इमेजिन कीजिए कि आप खेल रहे हो, आप बॉलर हो या बैट्समैन हो, आपकी मर्जी। तो बॉलर ने बॉल फेंकी, अब बॉल क्या है? मास है, और वो मूव कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ स्पीड है, तो हम वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो बॉल को मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हुआ? मोमेंटम हुआ। बॉल को मास है, वेलोसिटी है, मतलब बॉल को मोमेंटम है। ठीक है, जब तक बॉल मोशन में है तब तक बॉल को मोमेंटम है, जब बॉल रुक गई तब बॉल का मोमेंटम खत्म हो गया। ठीक है,
अब बॉल आगे गई और हिट हुई बैट पे, तो अकॉर्डिंग टू अस जितना हमने पढ़ा, बैट पे हिट होने पर बॉल ने बैट पे कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ऐसे तो नहीं कि वो बैट पे चिपका रहा है फिर बहुत देर तक बैट से लगा रहा, तो एक छोटे से टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुआ बैट पे, तो उस टाइम में जो फोर्स अप्लाई हुआ उसे कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, यहां तक समझ गए? पहले तो आया इनर्शिया, बॉल का इनर्शिया कि वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। फिर क्या आया? मोमेंटम, जैसे ही मास ने उस बॉडी ने मूव करना शुरू किया, उसने कुछ न कुछ वेलोसिटी अटेन की, तब उसे क्या मिला? मोमेंटम। देन जब वो बॉडी बैट पे हिट हुई, उस स्पेसिफिक टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ उसे कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, और फाइनली फोर्स क्या है? तो फोर्स तो ओवरऑल हम लोग पुल पुश लास्ट टाइम देखा ही था, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर आप फोर्स को पढ़ रहे हैं तो वो इम्पल्स है, और इम्पल्स रीजनेबल है मोमेंटम को चेंज करने में। तो क्रिकेट खेलते खेलते इसके बाद मोमेंटम भी याद रखना, इम्पल्स भी याद रखना, फोर्स भी याद रखना, और इनर्शिया नहीं भूलना, क्योंकि इनर्शिया इज लेजीनेस। बस इतना ही याद रखिए कि कोई बॉडी खुद की स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, बहुत लेजी होती है हर बॉडी। तो गाइज, आपको मैंने एग्जाम्पल वाइज मोमेंटम समझा दिया है, अब जानते हैं मोमेंटम होता क्या है एग्जैक्टली। इट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर कह सकते हैं हाउ इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। अब किसी चीज को रुकाना कितना डिफिकल्ट है, अब जैसे आप कोई गाड़ी से जा रहे हो, उसका मास एक स्पेसिफिक है और अगर उसे बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और सामने अचानक कुत्ता आ जाए, तो क्या होगा? आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेगी। लेकिन क्या इतना आसान है गाड़ी रुकाना? नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा थी। तो आपकी स्पीड ज्यादा नहीं थी भाई, आपका मोमेंटम भी ज्यादा था। अगर आपकी छोटी गाड़ी है और कोई स्पेसिफिक स्पीड है, जैसे आप आपकी टू व्हीलर से जा रहे हो, आपकी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, उस गाड़ी को रुकाना, और आप किसी बड़ी गाड़ी से जा रहे हो और उसकी भी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड से, उसे रुकाना क्या इजी है? छोटी गाड़ी रुकाना, ठीक है, तो ये टाइम पे तो स्पीड मैटर नहीं करी, ये टाइम पे मैटर क्या किया? मास। इस टाइम पे किस बारे में सोचा आपने कि मास, बड़ी गाड़ी है तो रुकाना थोड़ा मुश्किल है, कोई बड़ा सा ट्रक और आपकी गाड़ी, बहुत फर्क पड़ता है, और सेम स्पीड के लिए भी है। तो किसी गाड़ी को रुकाना या फिर उस गाड़ी के स्ट्रेंथ, किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेंथ के बारे में सोचना, उसे रुकाने की स्ट्रेंथ के बारे में सोचना, ये डिपेंड होता है मास पे और वेलोसिटी पे। तो ये दोनों मिलके जो क्वांटिटी बनी ना, उसे कहते हैं मोमेंटम। तो किसी बॉडी को रुकाने के लिए आपको कितनी ताकत लगेगी, ये होता है मोमेंटम का मेजर। अगर आपको बहुत ज्यादा ताकत लगती है तो उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, आपको कम ताकत लगती है तो उस बॉडी का मोमेंटम कम है, सिंपल। तो इतनी सारी बातें कर ली कि मास और वेलोसिटी चाहिए। अब सिंपली मैंने डेफिनेशन क्या ली है, मास इन मोशन। मास जब भी मोशन में आया तो क्या है, ये मोमेंटम है। अभी हमने समझा ना दो एग्जांपल्स से। अब देखिए, मास टाइम्स वेलोसिटी भी मोमेंटम कह सकते हैं। मास इनटू वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम है, और पी से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। अब मोमेंटम किन चीजों पे डिपेंड होता है, अभी तक जो आपने सुना वही थोड़ा सा रिपीट कर रही हूं। ये डिपेंड होता है कितना स्टफ मूव हो रहा है, हाउ मच स्टफ इज मूविंग, कितना ज्यादा है कोई सामान। जैसे बड़ी गाड़ी तो सारा सामान ज्यादा लगाना उसे बनाने में, तो ज्यादा स्टफ, छोटी गाड़ी कम स्टफ। स्टफ यानी मास कंसिडर कर लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में लिया है, और मास हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। तो कितना स्टफ मूव हो रहा है इस पे डिपेंड होता है, और दूसरा कितना फास्ट मूव हो रहा है। मोमेंटम किस पे डिपेंड है? सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला से दिख रहा है, एक तो मास चेंज होने पर यह चेंज होगा या फिर वेलोसिटी चेंज होने पर यह चेंज होगा। तो मास और वेलोसिटी पे मोमेंटम डिपेंड है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियस है, यहाँ पे देखिए, मास स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिर एक तो वेक्टर हुआ, इसीलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है। आप मोमेंटम समझ गए होंगे। तो इम्पल्स क्या है इसे भी देखते हैं। देखिए इम्पल्स क्या है, फोर्स टाइम्स द टाइम,
कितने टाइम के लिए कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस स्पेसिफिक टाइम के लिए जो स्पेसिफिक फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम इम्पल्स कहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा ये साइन होता है स्मॉल चेंज बताने के लिए, जो स्मॉल चेंज होता है वो अगर डिनोट करना है तो हम इस ट्रायंगल वाले साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा कहते हैं इसे। तो ये डिनोट कर रहा है स्मॉल टाइम, तो कोई फोर्स अगर स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। इम्पल्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है, मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ये भी क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी इसे भी इम्पल्स कह सकते हैं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कब, जब आप सेम मास के लिए स्टडी कर रहे हो, सेम बॉल के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग ग्राउंड की बातें कर रहे हो और कंपेयर कर रहे हो तो मास भी चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ अलग केस हो गई, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं हम इम्पल्स को, मेजर ऑफ हाउ मच द फोर्स चेंजेस मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी, जैसा कि हमें पता है ये मोमेंटम है। अब मोमेंटम चेंज कैसे होता है, किसके वजह से चेंज आता है मोमेंटम में, फोर्स की वजह से, सही है। तो वही फोर्स मोमेंटम को चेंज कितना करता है, ये भी क्या हुआ, इम्पल्स हुआ, ठीक है। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करके हम इम्पल्स का प्रूफ देख लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं या फिर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी बाई डीटी। अब इसे चेंज करके हम, छोटा सा चेंज लेना है ना हमें वेलोसिटी और टाइम में का, इसलिए हमने डेल्टा लिख लिया। अब अगर ये इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन हमने क्या दी थी वैसे, फोर्स टाइम द टाइम, ये इम्पल्स था। अब एक छोटे से टाइम में फोर्स अप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में चेंज आया, और मास इनटू वेलोसिटी क्या था, मोमेंटम था। तो वेलोसिटी में चेंज आया मतलब अल्टीमेटली मोमेंटम में चेंज आया, और वो क्या बना, इम्पल्स बना, ठीक है। अब इस इम्पल्स नाम के टर्म से हमने क्या सीखा कि मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, फोर्स की वजह से, लेकिन अगर मोमेंटम की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो वही वैल्यू क्या होगी, फोर्स इनटू डेल्टा टी की। और अगर डेल्टा टी छोटा हो जाए तो फोर्स कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपॉन में है डेल्टा टी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर डेल्टा टी यानी कि टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। इमेजिन कीजिए कोई बहुत ऊपर खड़ा है किसी बिल्डिंग पर और उसने नीचे कूदी मार दी, वो नीचे कूद गया तो क्या होगा, उसकी हड्डियां टूटेगी, क्यों, सीधी बात है हड्डियां टूटेगी, लेकिन क्यों, क्योंकि वो आया और जमीन से टकराया, ठीक है। जो उसका कॉन्टेक्ट टाइम था जमीन से वो बहुत कम था, अचानक से धम से टकराया और रुक गया भाई जमीन पे। और अगर इसी जगह पे आप कोई बाउंसिंग वाली चीज रख दो, जैसे सर्कस में होती है ना जोकर उस पर बाउंस करके कूदते रहते हैं, तो ऐसी कोई चीज रख दो तो क्या हड्डियां टूटेगी, नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कूदते हो उसमें तो वो पूरा नीचे जाता है खुद की स्ट्रेच की वजह से, तो आपके बॉडी को उतना कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा मिल गया है जब तक आप जमीन पे टिकते हो, या फिर नहीं भी टिकते हो, आप तो ऊपर उछल जाते हो, तो जितना कॉन्टेक्ट टाइम, वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आपकी बॉडी भी आराम से नीचे जाएगी। तो कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा मिला इसलिए फोर्स कम लगा आपकी बॉडी पे, और इसीलिए आप इंजर्ड नहीं हुए, या फिर बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर क्रिकेट ही कंसिडर कर लीजिए, या फिर कोई भी सॉफ्टबॉल बेसबॉल, उसमें जब बॉल कैच करना होता है तो वो जो कैच करने वाला बंदा होता है वो खुद के हाथों को थोड़ा स्विंग करके नीचे लेता है, वो अचानक से बॉल नहीं पकड़ लेता, वो हाथों को स्विंग करके बॉल के साथ थोड़ा नीचे लेता है। तो ऐसे क्यों होता है कि बॉल को वो उतना कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा देता है कि आराम से हाथ में आया थोड़ा,
अचानक से हाथ पे आके रुक मत, तो वो जो कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ता है उस वजह से फोर्स कम लगता है, और फोर्स कम लगता है इसलिए हाथ इंज्योर नहीं होता। थोड़ा सा यही पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि मैंने मिट्टी से कोई गोला बनाया जो 5 kg का है मैंने, या फिर किसी मशीन ने बनाया है, ठीक है। तो वो अब इधर ट्रैवल कर रहा है और वो जाके वॉल को धड़कने वाला है अभी। तो फर्स्ट केस में मास तो उसका सेम रहेगा, हम लोग कितनी भी केसेस कंसिडर कर ले तो मास क्या है उसका 5 kg। अब मैंने फर्स्ट केस में क्या किया है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू वो क्या ली है 10 m/s, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी वो क्या है 0 m/s। क्योंकि शुरुआत में तो वो 10 m/s से मूव करेगा, लेकिन जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब वो रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 m/s। और पहले उसने टाइम लिया 10 s, ठीक है, कॉन्टेक्ट टाइम। तो फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी सीधे सीधे दे रखा है 10 s, तो बस वैल्यूज डालनी है 0 - 10/10। 5 मास है, 0 फाइनल वेलोसिटी है, 10 इनिशियल वेलोसिटी, और ये 10 s टाइम है। वैल्यू डालने के बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला 5 N। यानी जब ये ऑब्जेक्ट 10 s ले रहा है वॉल को हिट करने में, तो फोर्स कितना लग रहा है 5 N। अब दूसरी केस लेते हैं, उसमें इनिशियल वेलोसिटी सेम है, फाइनल वेलोसिटी सेम है, बस हमने टाइम चेंज कर दिया। पहले हमने 10 s लिया था, अब हम लेंगे 5 s। क्या चेंज हुआ ये देखते हैं। तो बात यू बदली कि मास एज इट इज है, ये सारी कंडीशंस एज इट इज थी, तो ऊपर तो -50 आ गया, नीचे 5 आ गया, तो फोर्स कितना मिला -10 N। अब माइनस ये जो निगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कहाँ है इस तरफ, और फोर्स किस तरफ लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स तो रुकाने का काम कर रहा है। तो निगेटिव साइन कम होने का साइन नहीं है, जस्ट डायरेक्शन बता रहा है। तो ऑब्वियस है 5 N से फोर्स 10 N ज्यादा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने टाइम कम किया, जब हमने टाइम कम किया 10 से 5 किया, तो फोर्स 5 से 10 हो गया। इसका मतलब क्या है कि T2 जब कम था तो F2 बड़ा था, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, और टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। बस यही इम्पल्स का बताने का काम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पल्स और मोमेंटम क्या है।